26 दिसंबर साल 2004 दुनिया के इतिहास में एक ऐसा भयानक और डरावना दिन है जो यादों से हटता ही नहीं है। आधुनिक दुनिया में इंसानों ने पहली बार समुद्र में उठती हुई ऐसी खौफनाक लहरें देखी जिन्होंने कुछ ही मिनटों में लाखों लोगों को मौत की नींद सुला दिया। सुनामी शब्द को अधिकतर दुनिया ने उस दिन पहली बार सुना और इसकी बर्बादी को ठीक अपनी आंखों के सामने देखा, नजदीक से महसूस किया। लेकिन क्या आपको पता है कि धरती के समुद्रों में असल में कुछ ऐसा भी हो सकता है जिसके आगे सुनामी की लहरें बिल्कुल छोटी लगने लगेंगी। कई सौ मीटर ऊंची लहरों वाली मेगा सुनामी या यूं कहें कि महासुनामी के सामने वो तबाही की लहरें कुछ भी नहीं थी। यह सिर्फ एक कल्पना नहीं है बल्कि धरती पर एक नहीं अनेकों बार महासुनामियां आ चुकी हैं और भविष्य में भी इसकी पूरी पूरी संभावना है। इस वीडियो में आइए जानते हैं कैसी होगी महासुनामी और कितना बड़ा है इसका खतरा। ४ में आई सुनामी का कारण था इंडोनेशिया के पास हिंद महासागर में समुद्र के अंदर आया एक बहुत विशाल भूकंप। इस अर्थक्वेक की वजह से हिरोशिमा में गिराए गए 40,000 एटम बॉम्ब्स के बराबर ऊर्जा रिलीज हुई थी। 30 मीटर यानी 6 मंजिला इमारत जितनी ऊंची लहरों ने देखते ही देखते 2.5 लाख से ज्यादा इंसानों को मौत की नींद सुला दिया था। बर्बादी और तबाही की इन लहरों की मार हजारों किलोमीटर दूर अफ्रीका तक महसूस की गई थी। 7 सालों बाद ऐसा ही मंजर देखने को मिला जापान में 2011 में, जब एक बार फिर से सुनामी की लहरों ने मानवता को झकझोर कर रख दिया था। जब सुनामी की लहरें इतनी तबाही मचा सकती हैं, तो सोचिए मेगा सुनामी कितनी विनाशकारी होगी। महासुनामी के दौरान समुद्र में उठने वाली लहरें कम से कम 100 मीटर ऊंची होती हैं, यानी 2004 की सुनामी की लहरों से 3 गुना ऊंचाई लिए हुए। और इनकी अधिकतम ऊंचाई 1 किलोमीटर से लेकर कई किलोमीटर तक हो सकती है। सोचिए अगर दुबई इसकी सीधी चपेट में आया हो तो दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा भी पानी में डूब जाएगी। समुद्र का पानी जमीन पर सैकड़ों किलोमीटर तक अंदर घुस जाएगा और यह सब इतनी तेजी से होगा कि किसी के पास बचने का कोई भी मौका नहीं होगा। महासुनामी की सबसे पहली वेव तो बस एक शुरुआत होती है, उसके बाद कुछ ही मिनटों से लेकर घंटों के अंतराल में एक के बाद एक और छोटी लहरें भी तबाही मचाती रहेंगी। ये बातें भले ही आपको किसी हॉलीवुड मूवी की तरह लगें, लेकिन पूरी तरह से वैज्ञानिक सच्चाई पर आधारित हैं। हकीकत तो यह है कि महासुनामियां अब तक धरती पर अनेकों बार आ चुकी हैं, जिनके वैज्ञानिक सबूत आज भी मौजूद हैं। आज से 66 मिलियन साल पहले डायनासोर्स धरती के राजा हुआ करते थे। हर तरफ इन्हीं विशाल प्राणियों का बोलबाला था। लेकिन फिर एक दिन दूर अंतरिक्ष से आई एक आफत ने धरती पर से डायनासोर्स को हमेशा के लिए मिटा दिया।
10-12 किलोमीटर चौड़ाई वाला एक पिंड धरती से टकराया, जिसने भयंकर भूकंपों से लेकर महासुनामी तक पैदा की। उस इंपैक्ट से पैदा हुई महासुनामी की लहरों की ऊंचाई 200 से लेकर 500 मीटर तक आंकी गई है। धरती के नजदीकी इतिहास में यह सबसे भयंकर महासुनामी थी, जिसने धरती के एक बड़े हिस्से पर तबाही मचाई। क्या धरती पर भविष्य में भी कोई महासुनामी आ सकती है? इस सवाल के जवाब में वैज्ञानिकों के विचार आपस में बटे हुए हैं। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है एक भयंकर महासुनामी संभव है, जबकि कुछ कहते हैं अगर कोई महासुनामी आए भी तो उसका प्रभाव बहुत कम एरिया में होगा। धरती पर महाप्रलयंकारी मेगा सुनामी आ सकती है तो उसका सबसे बड़ा कारण होगा किसी बड़े उल्कापिंड का समुद्र में गिरना। अगर ऐसा कोई आकाशीय पिंड आकार में 20 से 30 किलोमीटर का भी हुआ तो बहुत संभव है कि पूरी धरती से 99% जीवन खत्म हो जाए और हम इंसान पूरी तरह से। पृथ्वी का इतिहास बताता है कि ऐसी महाविनाशकारी घटनाएं हर 50 से लेकर 100 मिलियन सालों में एक बार होती रहती हैं। पिछली बार ऐसा 66 मिलियन साल पहले हुआ था, यानी धीरे धीरे इसकी संभावनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। सिर्फ किसी आकाशीय पिंड के धरती से टकराने से ही महासुनामी आए ऐसा नहीं है। किसी बड़े भूकंप से या ज्वालामुखी के फटने से या फिर अचानक से लाखों टन मलबे के समुद्र या झील में गिर जाने से भी महासुनामियां पैदा हो सकती हैं। हालांकि इनका प्रभाव एक छोटे एरिया में ही रहने से ये इतनी विनाशकारी साबित नहीं होंगी। ऐसी छोटे प्रभाव वाली मेगा सुनामियां पिछले 500 सालों के दौरान धरती के अलग अलग हिस्सों में कम से कम 15 बार आ चुकी हैं। सुनामी के आने से पहले समुद्र का पानी पीछे चला जाता है। अगर आप समुद्र के किनारे टहलते हुए देखें कि पानी अचानक से कम हो गया है और दूर तक जमीन नजर आने लगी है, तो जितनी जल्दी हो सके किसी ऊंचे स्थान पर चले जाइए। समुद्र का पानी जितना पीछे जाता है उतनी ही भयंकर और प्रलयंकारी सुनामी की लहरें होंगी। कुदरत जितनी खूबसूरत है उतनी ही खतरनाक भी हो सकती है। एक पल में ही पूरी धरती की तस्वीर बदल कर रख सकती है। मेगा सुनामी भी एक ऐसा ही भयंकर खतरा है जो धरती पर भविष्य में तबाही जरूर मचाएगा। सवाल सिर्फ इतना है कि ऐसा कब होगा और क्यों होगा? क्या इंसानों के पास उससे पहले इतना समय होगा कि वो अपनी प्रजाति को बचाने के लिए कुछ कर सकें? दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर हाँ तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और वीडियो में जल्दी ही। बने रहिए मेरे साथ। जय हिंद।